अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? दोस्तों, आप पाकिस्तान से बाहर दुबई या सऊदी अरब या किसी और मुल्क जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो जहेज का नंबर है वो आप वहां जाके भी इस्तेमाल करें, तो इसका तरीक़ाकार इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अलावा अगर आप बाहर दूसरे मुल्क जा चुके हैं और आपके पास सिम कार्ड मौजूद है और आप ये चाहते हैं कि वो सिम कार्ड आप इस्तेमाल करें, तो उसका तरीक़ाकार भी आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रह के आप किस तरह अपनी सिम को इंटरनेशनल करवा सकते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है, आप 111 पे कॉल करें और उनको कहें कि आप इस नंबर पर इंटरनेशनल रोमिंग जो है वो एक्टिव कर दें, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कौन से मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो आप उसको बता दें कि आप दुबई, सऊदी अरब या किसी भी मुल्क जा रहे हैं, तो वो आपकी सिम को इंटरनेशनल कर देंगे, वहाँ पे जाके आप इसको इस्तेमाल कर। तो अब बात कर लेते हैं कि आप दूसरे मुल्क में रह के आप किस तरह अपनी सिम को इंटरनेशनल करवा सकते हैं और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर शो हो रहे हैं, इन नंबर में से किसी एक नंबर पर कॉल करके आप उनको कह सकते हैं कि मेरी सिम को आप इंटरनेशनल रोमिंग जो है इसकी वो एक्टिव कर दें, और आप उनको बता दें कि मैं किस मुल्क से इस वक्त बात कर रहा हूं, तो आपकी जो सिम है वो एक्टिव हो जाएगी और आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि जब कभी आपका जो वाईफाई है वो ऑन नहीं होता है और किसी ने आपसे बात करनी होती है, तो वो आपको आपकी सिम नंबर पर कॉल कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।